हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, किसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फ्रेज। देन आपको उसमें टाइप करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सभी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। यहाँ पर दिया गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023, आप रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस एंड देन आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 9th आपको स्टार्ट हो चुका था। देन आपके सामने आपको फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, सर्च क्वालिफिकेशन, देन आपको गेट फ्री काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। देन यहाँ पे क्लिक हेट पर आप क्लिक करेंगे देन आप जेन्यून टैप में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देन यहाँ पे क्लिक हेट पर अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे देन आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ से जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है, सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होता है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। देन उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज़ के एप्लीकेशन फीस दिया गया है। देन यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड पे आप क्लिक करेंगे देन यहाँ पे क्लिक हेयर और प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप वहाँ से फिल करेंगे। सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होता है इसमें आपको अपने यहाँ पर अपना नेम डालना है, देन फादर नेम, मदर नेम, देन गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको जो है फिल करना होता है। एंड देन आपको जो है आपको अपना एड्रेस देना होता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है एंड लोकेलिटी आपकी क्या है, फिर आपको फ़ोन नंबर क्या है, आपको फ़ोन नंबर अपना जो है कन्फर्म करना होता है, ये सारा इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। देन आपको जो अपना 8 कैरेक्टर्स का जो है पिन कोड बनाना होता है एंड उसके बाद आपको जो है कंफर्म करना होता है पिन कोड। देन आपको सिक्योरिटी पिन दिया गया, आपको उस सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे टाइप करना है एंड देन आप जो है आपको सबमिट करना होगा। देन उसके बाद आपको जो अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा, आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। ये सारे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आपको जो है आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है रीचेक करना होता है कि आपने सारे इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया या नहीं। अगर आपको सारे इन्फॉर्मेशन सही फिल किए हैं तो आप अपना जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।